किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अच्छी फिल्में बनती रहें, अच्छा सिनेमा लोग देखते रहें, और बड़ी अच्छी बात है कि लोग सिनेमा हॉल तक वापस आ रहे हैं। वो जो बात हो रही थी कि OTT की वजह से थिएटर खाली हो रहे हैं, लेकिन अब सब देख ही रहे हैं कि काफ़ी लोग ऑडियंस सिनेमा में आ रही है, तो मेरी दुआएं कि ज़्यादा अच्छी फिल्में बने और ज़्यादा लोग थिएटर तक आए। अभी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है पिप्पा, जो बहुत जल्दी थिएटर में रिलीज़ होगा। थैंक यू सो मच। ये तो मैं नहीं बता सकती किस टॉपिक पे है, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे दोस्तों की मूवी है तो डेफिनेटली अच्छी होगी। क्या कहना चाहोगे दोस्तों के लिए, कुछ बताया किरदार के बारे में? किरदार तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का है और आई एम वेरी एक्साइटेड, और देखते हैं मूवी तो डेफिनेटली अच्छी होगी। इधर आ ना, इधर आ। चलो अभी तुम्हारा इसमें फाइल एंड वेलकम हिम ऑन स्टेज द मैन, मल्टी टैलेंटेड मैन। भाई भाई ओ भाई, गाइस मेक सम नॉइज, अवेयर है ना जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। All right, I would now like to call up the one and only, the beautiful lady. Please put your hands together for Regina Cassandra. Let's welcome her with a thunderous round of applause and give her all the love tonight, ladies and gentlemen. She is beautiful and here she is with us. So before the teaser launch, we have the mains with us on screen and super, super excited. Are you excited for the teaser? Yes. Yes. Yes, 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 yes. So guys, बस दिल थाम के बैठिए कुछ ही मिनट और फिर हम टीजर लॉन्च करने जा रहे हैं अपने स्पेशल वंस के साथ. So please, all of you, be with us. Guys, make some noise for them, please. So Anish sir, firstly starting with you, as मैंने आज ही बहुत ब्यूटिफुल लाइन्स पढ़ी आपकी इन द मैगजीन, वेयर यू से व्हाट इज मेड फ्रॉम द ब्रेन रीचेस द हेड ऑफ द पीपल एंड व्हाट इज मेड फ्रॉम द हार्ट टचेस द हार्ट ऑफ द ऑडियंस. व्हाट अ वंडरफुल लाइन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. सो बिफोर विद द टीजर लॉन्च, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो मैं मीडिया के जो दोस्त आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. एंड यहाँ मौजूद सारे लोगों को मेरा सलाम. दोस्तों, ये
हम लोगों के साथ जो फिल्म हम शुरू करने जा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर एवरीवन, बिकॉज ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म लिखी गई है और ये फिल्म जो शुरू की है उसकी यही रीज़न है कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी एंड नवाज भाई एंड सारे लोग मौजूद हैं, आसिफ खान एंड हमारे रजीना, नहीं मुझे पूरा नाम रजीना, तो या रजीना, तो बस ये आप लोगों की दुआएं चाहिए एंड कोशिश करेंगे कि बहुत खूबसूरत फिल्म बना सके हम लोग। सो सर फिर व्हाट डू यू से, शैल वी बिगिन विद द टीजर फर्स्ट एंड देन हैव एन इंटरेक्शन? बेटर बेटर, तो टीजर के साथ शुरू करें गाइस, वुड लाइक टू सी इट। Alright, ladies and gentlemen, here we present for the first time for the close ones of a friend's family. What a wonderful teaser! आप सबको पसंद आया या नहीं पसंद आया? थोड़ा सा अंतर। बहुत अच्छा ना? जबरदस्त। We are very happy that you loved it because this was all for you. Let's come ahead. Anish sir, starting from you, wow is the word, what a wonderful teaser. What would you like to say once we have launched, not one, not twice, but three times front of our people? Arre, matlab light kam pad jayega. Sare logon ka bahut bahut shukriya, thank you so much. Chalo. Thank you so much friends, thank you. All right, so Anish sir, I would like to know, why did you choose this script? I'm a big fan of you, sir. Firstly, before I start anything, I loved all the movies that you have given out. Every generation, of course, loves what you bring up on the big screen. I'm really interested in looking forward. Why did you choose this script? I know Rasi Khan. बहुत पहले से Rasi को जानता हूँ. And Rasi ने बहुत मेहनत की इस script पे. And Ankit, Saif. मनीष ये सारे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुझे लगा कि ये खूबसूरत फिल्म बन सकती है और इसी भरोसे पर मैंने इन लोगों के साथ जुड़ा हूं ताकि एक अच्छी फिल्म बना सके। नवाज सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू एंड अनीस सर आर कमिंग टुगेदर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट हम लोगों का बहुत पहले से प्लान था साथ में काम करने का, बट कुछ इत्तेफाक ऐसा बन नहीं पाया, बट फाइनली जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होता है, तो वो सेक्शन बंद करी हुई वो होने थी और इनके साथ जोड़ना था। That's amazing. So Mr. Khan, आपसे पूछना चाहेंगे, इतना टीजर अभी हमने देखा, there's so much of suspense. What made you choose the script and what, why are you bringing it towards us? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सुनाई नहीं दे रहा है किसी को, इतना सन्नाटा क्यों है? पसंद नहीं आया क्या? जोर से बोलो। So yeah. तो थ्रिलर फिल्म्स हमेशा मेरे को बहुत पसंद आई हैं और स्पेशली दीवानगी सर की देखी थी, मैं फैन हो गया था, मुझे टाइम लगा उस फिल्म से निकालने में, तो हमेशा इच्छा थी कि एक इस टाइप की फिल्म बनाई जाए जो थ्रिलर हो, लोगों को पसंद आए। और धीरे धीरे जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, अनीस सर के साथ थोड़ा बैठे तो एक आइडिया थ्रो किया, सर को अच्छा लगा, सर ने बोला स्क्रिप्ट डेवलप करो, मैंने डेवलप किया एंड लकीली उनको पसंद आ गया। फिर सर को ट्राई किया, ट्रस्ट मी इट टुक मी 2.5 इयर्स कि वो नवाज सर तक पहुंचे। मैं लगा रहा इवेंचुअली एक दिन, मतलब वो देयर इज ऑलवेज इसको कि अगर आप मेहनत करते हैं तो चांस मिलता है। इवेंचुअली मेरी किस्मत अच्छी थी, सर ने बोला कि ठीक है आ जाओ, थोड़ा सा टाइम दिया था, आई डिड माई बेस्ट, सर को पसंद आया, आई एम सो ग्लैड कि सर ने पहली बार सुन के बोल दिया कि हाँ मुझे अच्छी लग रही है, गिव मी सम टाइम। लेकिन इसके बाद हुआ, फिर मैं बताना चाहूँगा रिजीना कैसे इन्वॉल्व हुई। तो देर इज़ वन शो, मैंने उनका शो देखा एंड उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस शो के अंदर, जावाज हिंदुस्तान के, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, शिवा से है। और वो मुझे सीन बहुत पसंद आया, उस टाइम पर हम सर्च कर रहे थे किसको लें, तो फिर अंकित प्रोड्यूसर, किधर है अंकित? अंकित की बात खास है, हमेशा गायब होता है इंपॉर्टेंट मोमेंट पे।
भारत हमस, अरे तो फिर हाँ, तो लकीली मैंने रजिना का देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अंकित को बोला एंड अगेन जब जब सबका स्टार्स मिले होते हैं कॉल किया, मैम ने टाइम दिया, जूम कॉल पे नरेशन हुआ एंड शी लाइक्ड इट। इसके बाद सर ये हमेशा गायब होते हैं लकीली हमारे साथ आज हैं। सो या तो आपका सवाल मैंने लंबा कर दिया, सॉरी सर, मैं मतलब बड़े लोग हैं मैं तो थ्रिलर का सोचा था, थ्रिलर प्लान किया और वर्क कर गया। We loved it. We completely loved it. I would like to ask same question to Regina. How was the experience to work with Nawaz sir and the entire team? And any of the experience you would like to share it with us? Actually, a teaser na. We shot it between what 10 in the night and 4 in the morning. 10 p.m. to 4 a.m. shoot kiya tha humne, and this is the first time we're all working together and. It was already a shoot experience. Okay, maybe ऐसा भी हो सकता है shoot पे we'll gear ourselves up for long days of shoot, but बहुत ही मजा आया था। Light कट गई। Test, we are back. Sound. And working with Nawaz sir for the first time was truly an honor, privilege as well. Lots to learn. I'm looking forward to our shoot. Anis sir and I also were supposed to work together before, but finally we've got the opportunity to work with each other. And Rasik sir, to I must say his energy is the best. आपने कभी देखा? I totally agree with that. Yeah, he was the biggest energy when we were shooting from 10 p.m. to 4 a.m. You know, and I think, sorry, 6 a.m. Yeah, we actually saw the sunrise. No, correct. So yeah, that's the I'm looking forward to working with this energy, and even Ankit, I think he's a fabulous person, and I'm so glad that he's also on board. I'm very glad to be a part of this family. Nawaz sir, एक डायलॉग हो जाए प्लीज, वन ऑफ योर फेवरेट डायलॉग। वी हैव जस्ट वॉच द टीजर, इफ यू वुड लाइक टू शेयर इट विद अस, एनी ऑफ योर फेवरेट डायलॉग इन योर स्टाइल प्लीज। अब वो एक जमीन में भी गड़ा होगा तो खोद के निकाल, गेट इन द वाइल्ड हियर, वंस मोर सर, प्लीज सर, वंस मोर। जमीन में भी गड़ा होगा तो खोद के। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया हाउस? वी विल बी टेकिंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज शूट। एनीवन विद एनी क्वेश्चंस? नहीं। सो वी विल टेक वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस, सो प्लीज। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए, आपसे ये जो सेक्शन 108 है, इसके पीछे ये जो कास्ट है, उसके पीछे क्या कुछ लॉजिक था कि सर को ऑन बोर्ड आना है? क्योंकि सर के हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इस अवतार पे पहली बार हम देख रहे हैं, तो नवाज सर की कास्टिंग के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे इन डिटेल। जिस दिन थॉट आया था उसी दिन से डिसाइड किया था कि अगर कैरेक्टर कोई प्ले कर सकता है वो केवल नवाज सर है, कोई उनके अलावा प्ले नहीं कर सकता। क्योंकि अभी आपने ही बोला इज वेरी वर्सेटाइल एक्टर, इज लाइक वाटर, किसी भी शिप में डालो वो वैसे। ऑडियो 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 यार, क्या सिस्टम है? हाँ हाँ, नहीं बट है तो प्ले वन से डिसाइड। अरे यार छोड़ो, बाहर बैठ करेंगे। वैसे ही बोलो, वायर वाला नहीं है। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा 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 चलेगा। तो डे वन से डिसाइडेड था कि सर के अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता, और मैं बस उम्मीद कर रहा था कि यार बस हाँ कर दे कैसे भी कर। एंड उन्होंने हाँ किया, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा बेटर उन्होंने परफॉर्म करके दिया। थैंक यू। हेलो, अगर हम बात करें, इतना वंडरफुल साल रहा है आपके लिए, 2024 में शुरुआत इस तरह हो रही है, 2024 किस तरह देखते हो एज एन एक्टर? हाउ डू यू सी, बिकॉज 2023 में हमने काफी सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल देखे, गाने भी काफी सारे आए, 2024
24 में किस तरह से आप देख रहे हो? भाई मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे देख रहा हूँ, कैसा होगा, कांट से हाँ जो भी केयरफुल हो के थोड़ा स्क्रिप्ट चूज करूंगा डेफिनेटली. हो गया मेरा, आई एम डन. कुछ फिल्में ऐसी की मैंने बीच में, बट फाइनली अभी डिसाइड करूँ कि अच्छी फिल्में करूँ. एक दो एक्सपेरिमेंट मेरे ख़राब हो गए, बट कांट से यार कि मैं 2024 मेरा कैसा होगा. मेरे मुझे कल का नहीं पता क्या हो जाए मेरे साथ. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, वी आर डन विद द क्वेश्चंस. वी आर बाय जस्ट माय क्वेश्चन. सोहेल फ्रॉम लास्ट. या सोहेल फ्रॉम एशियन बॉलीवुड. अनीस बाय नाजुद्दीन रेजिना और रसिक जी एंड द एंटायर टीम, अ बिग बिग कांग्रेट्स टू यू. लाइक यू नो, बहुत ही मजा आया टीजर में, और खास करके जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बहुत. यस, मैं बोलना चाहूंगा अभिषेक अमोल, दे आर सिटिंग देयर, प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब. वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक मीटिंग आधे घंटे का मैंने उनको ब्रीफ दिया एंड दे कम अप विद दिस ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक. I'm so glad that you are there in my team. ये झलक तो बहुत ही अच्छी लगी नवाज भाई, कुछ बहुत ही स्टाइलाइज भी लग रहे हैं, यू नो, एक स्टाइल है तो क्या पूरी एंटायर फिल्म, लेकिन ऐसे ऐसा रोल करने भी कितना मजा आता है, लेकिन जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा एक स्टाइल भी होता है जो भी हमने देखा भी है. नमस्कार नवाज सर, नवाजुद्दीन जी. इस यू आर प्लेइंग अ लॉयर, सो डिड यू डू एनी होमवर्क अबाउट द रोल, और डिड यू नोटिस एनी कंटेंपरेरी लॉयर्स फॉर दिस रोल? आप लॉयर प्ले कर रहे हैं? अभी मैं बता नहीं सकता मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा. इतना तो मुझे पता लग गया. ये जानना चाहते हैं कि आपने इससे पहले कोई ऐसा कुछ होमवर्क किया, ये जब आपको ये ऑफर किया गया तो डिड यू डू एनीथिंग? अभी अभी जो है अभी फिलहाल तो जो राशिद ने बताया किस तरह के इसका हम लोग कैसे सोच रहे हैं इस कैरेक्टर को, उसी के हिसाब से क्या टीजर जो था एक ही दिन का काम. बहुत अच्छा. अभी फिलहाल जो है जो अभी आने वाला टाइम जो है वो Thank you so much. We are done with the media question, guys. We are open later, but now let me, yes, 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 both time hai hamare paas, don't worry guys, all your questions will be answered. Thank you so much for giving such a brilliant answer. I would request you to please stay back, or isi ke saath I would like to invite on stage our creative and producer team. Please put your hands together for Mr. Sir, please stay back on stage. I want you, all of you, to be here with us. Can I invite Mr. Ankit Kumar Pandey? Please join us on stage. Mr. Manish and his beautiful wife, Sophia. So let's take a picture together. All right, guys, let's give a huge round of applause for everybody, our producers, our good cast. Thank you so much for joining us, ladies and gentlemen. The media house with this, the Q&A is now open. And ek aur baar agar hum teaser dekhenge before we step forward for the media bites, I would request everyone to please be seated. Chal bhai. Ek aur baar, let's watch the teaser together. I would request my team to please do the honor. Black one. Black color. Ek aur baar, let's take the teaser. No, no, no. Please. So you saw the section 108. Kaisa laga? बहुत ही कमाल का टीज़र था. इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम नवाज़ुद्दीन सर एंड अनीस बाज़मी सर कोलैबोरेटिंग
एंड इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी. ये स्टोरी पहले नहीं आई है बाहर, तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई कांट वेट फॉर द एक्चुअल फिल्म इन 2024. इट्स गोना बी अ ग्रेट बिगनिंग टू सी सच अमेजिंग कंटेंट एंड सच अमेजिंग स्टोरीज. एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द स्टाइल ऑफ नवाज सर जब वो कहते I feel Nawaz sir is such an incredibly amazing water. He's like actually like water. So he actually knows how to get into the script and the role. So it's very very like we expect the best out of him. So I'm really always expecting the best performance when it comes to Nawaz sir. Any of your upcoming projects? Yes, I am debuting in Bollywood and South as well. And one of my projects with Niven Pauly is out tomorrow. So please support me as well. Thank you so much. Thank you so much. How excited you were for today? Well, I think the teaser was absolutely wonderful. And I'm really thrilled to be a part of this movie. This project has some wonderful team from Rasik sir, who's a cinephile himself. Anees Bazmi, what else can I ask for more? Ankit, Nawazuddin. And I'm really happy that I'm a part of this and I'm going to give my best. Would you like to say something about your role? Well, I am one of the suspects in the movie. So there's one person who's missing and I'm the wife of that person and I'm one of the suspects. Thank you. Thank you. टीजर यार मैं मतलब पूरे टाइम ने मैं नवाजुद्दीन सर का वो एक्टिंग देख रहा था. बट एक्टिंग मैंने सुना था कि यहाँ से होती है, बट उनका नवाजुद्दीन सर का पूरा बॉडी एक्टिंग करता है. जब वो लाइटर वाला सीन था तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और नवाजुद्दीन सर जिस चीज़ में भी हो गए उसमें सिर्फ और सिर्फ नवाजुद्दीन सर दिखते हैं, तो मैंने वही देखा टीजर में. और मुझे लगता मूवी भी सुपर हिट होगी. मैं वही बोल रहा था कि एक पर्सन होता है कि यहाँ से एक्टिंग करता है, ये पर्सन फेस से तो करते हैं, इनका बॉडी भी एक्टिंग करता है. एक मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा हाथ में वो भी एक्टिंग करेगा. नवाजुद्दीन बोलने के बाद ये एक्टिंग वाली बात करने का ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती. और अच्छा था टीजर बहुत. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं नहीं देखो, जब तक आप लोगों मैंने सुना है कि यहाँ इस दुनिया में देना चाहिए ज़्यादा, मैं देने के लिए आया हूँ. और बाकी जो जितना दूँ नहीं नहीं यार दिल खोल भाई मुझे बताओ, किसी और को सपोर्ट करने से मेरा कुछ कम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना. मुझे दुआएं बढ़ रही है और हो सकता है जब मेरी टर्न हो तो इससे ही डबल लोग मेरे साथ हो. खतरों के खिलाड़ी मुझे लगता है देखने में आप मजा आ रहा है ना. बस बस रोहित सर मुझे लगता है रोहित शेट्टी है तो पूरी पिक्चर ही हिट होती है. कोई भी पिक्चर हो तो हमारी भी पिक्चर हिट है सर के साथ. थोड़ा इंतज़ार करो, अच्छी चीज़ हो आने को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है. मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ. मुझे लगता है जितना इंतज़ार उतनी बड़ी फिल्म. प्रोड्यूसर को पता. हाँ क्या बोल रहे हो? कौन सी करो, सिंघम या गोलमाल? उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई ना, उसमें भी भाग के जाऊंगा मैं. आप बड़े